जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको त्रिभुजों की विशेष जानकारी, त्रिभुजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप BSEB बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, JAC बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को देख लीजिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आई होप डेट कि आपको किसी तरह का त्रिभुज में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही आपको आसान लैंग्वेज में, एकदम बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको त्रिभुजों की विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट्स बताया है, शुरू करते हैं, है ना। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपके सामने है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए देखिए नाम में ही आंसर छुपा होता है, ट्रिक। समबाहु, समबाहु जो है दो टर्म से मिलकर बना, एक सम और एक बाहु, सम प्लस बाहु। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब है भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु कहते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप देखिए, अगर ये एक फिगर है, है ना, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है। समान भुजाएं, यानी कि AB जो है BC के बराबर है और AC के बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में AB इक्वल टू आपका BC होता है और इक्वल टू AC होता है। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, इसको भी याद रखिएगा, तीनों भुजाएं बराबर हो, वो क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, तीनों भुजा इसमें बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज। और एक चीज़ याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो समबाहु जिसकी सब भुजा हो बराबर। अब आता है इसके बाद आपका समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु, देखिए इसका ट्रिक समझिए, समद्विबाहु तीन टर्म आया है, एक सम, एक द्विव और एक बाहु। सम प्लस द्विव प्लस बाहु, सम का मतलब है समान, द्विव का मतलब है दो, बाहु का मतलब है भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर आपको इस फिगर से समझना चाहेंगे तो ये देखिए, एक ट्रायंगल है जो कि मैंने रचना किया है, इस ट्रायंगल का हमने नाम दिया ABC। इस ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि AB जो है वो आपका BC के इक्वल होगा, ये AC जो है इक्वल नहीं होगा, यानी कि AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, याद रहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो ही भुजा बराबर होती है और एक जो भुजा होता है उन दोनों से अलग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज समझ में हो गया, ये भुजा के आधार पे आपको त्रिभुजों के बारे में बताया जा रहा है, भुजा के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब यहाँ से आपका पॉइंट्स आता है, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक समझिएगा, विषमबाहु नाम है, विषमबाहु दो टर्म शब्दों से मिल के बना है, एक विषम और एक बाहु, विषम प्लस बाहु, विषम प्लस बाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, और बाहु का मतलब भुजा। तो यहाँ से डिफिनीशन बना, वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएँ अलग अलग हो, है ना, क्या क्या लिखना होगा, तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की भुजाएं
जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए आपको फिगर से हम दिखा देते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, एक मैं फिगर बनाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल की रचना हमने किया, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसका नाम हमने दे दिया ए, एक साइड का नाम दिया बी और एक साइड का सी। ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। ये तीनों देखिए आपस में बराबर नहीं, यहाँ एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। इस त्रिभुज में क्या होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो इस तरह से आप विषमबाहु है ना, देख सकते हैं ना, नाम में ही आंसर छुपा है। कुछ पॉइंट्स है, इसे भी लिख लीजिएगा त्रिभुज में, इसे भी पढ़ लीजिएगा। तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोना है ना, कोई भी त्रिभुज हो तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ओके। और आगे आपका पॉइंट्स आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना, त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव में पूछता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। इस सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग पूरी एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन जो शुरू से बताए हैं है ना, समबाहु विषमबाहु भुजा के आधार पे त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, हमने देखा है। त्रिभुज की विशेष जानकारी है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आगे है विषमबाहु त्रिभुज। आई होप डेट कि ये जो कुछ भी हमने बताया है आप सबको बहुत ही अच्छा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जो कुछ भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सब इस वीडियो को अपने दोस्त, फ्रेंड्स, मित्र में भी शेयर करें और उनको भी तैयारी करने में हेल्प करें। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।